Follow traffic rules. Don't overspeed. Wear a seatbelt. Wear a mask. पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार हरीम शाह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हरीम शाह ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो विवादास्पद मुफ्ती अब्दुल कवि को थप्पड़ मारते दिख रही हैं। हरीम ने आरोप लगाया है कि मुफ्ती उनके साथ अश्लील बातचीत कर रहे थे। ये वीडियो पाकिस्तान में काफी वायरल हो चुका है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए हरीम ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्त को इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उनके सब्र का बांध टूट गया था। टिकटॉक पर सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाली हरीम शाह ने कहा, उसने मुझसे गंदी बातें की और हमारे पास उस बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। हालांकि मुफ्ती अब्दुल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। मुफ्ती ने कहा कि जब हरीम ने उन्हें थप्पड़ मारा तो वो सिर्फ चाय पी रहे थे। उन्होंने बताया कि हरीम के साथ एक और महिला थी, हरीम ने मुझे थप्पड़ मारा और दूसरी महिला ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। मुफ्ती ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि हरीम ने उन्हें किस लिए थप्पड़ मारा। मुफ्ती को थप्पड़ मारने की वजह से हरीम शाह पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल हो गई हैं। कई लोगों ने हरीम का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने टिकटॉकर हरीम शाह की आलोचना की। इससे पहले भी मुफ्ती अब्दुल कवि का एक विवादित वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो हरीम शाह के साथ बात करते नजर आए थे। वीडियो कॉल में मुफ्ती कवि ने कहा कि वो हरीम से मिलना चाहते थे लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से नहीं मिल सके। मुफ्ती ने हरीम का चेहरा देखने की भी बात कही थी। वीडियो में मुफ्ती हरीम शाह को शहजादी कहकर बुलाते हैं तो कहते हैं, शहजादी गुस्सा मत करो, मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। जवाब में हरीम शाह कहती हैं कि वो दोगले लोगों को चेहरा नहीं दिखाती हैं। कुछ महीने पहले मुफ्ती का इंटरनेट पर एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें वो कोरियन महिला के साथ डांस करते नजर आ रहे थे। हालांकि कवि ने कहा कि वीडियो में कोई और शख्स था। हरीम शाह आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। हरीम इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के कई नेताओं के साथ अक्सर दिखती रही हैं। इससे पहले एक पत्रकार ने दावा किया था कि हरीम शाह के पास पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद के अश्लील वीडियो भी मौजूद हैं। शेख रशीद को इसके बाद सफाई देनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।